हेलो एंड वेलकम टू माय फूडी स्टॉक। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही फ्लेवरफुल और मज़ेदार पिज्ज़ा सॉस। पिज्ज़ा का टेस्ट उसके सॉस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आपका पिज्ज़ा सॉस टेस्टी है तो आपका पिज्ज़ा भी बहुत टेस्टी बनेगा। और ये सॉस बनाकर आप एक एयरटाइट बॉटल में भरकर फ्रिज में रख सकते हैं और इसको आप 1 महीने तक यूज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। और इससे आप पास्ता भी बना सकते हैं, पास्ता में भी ये सॉस बहुत टेस्टी लगता है। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं और इसके लिए इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया टमाटर, प्याज और लहसुन, और इसके अलावा मैंने लिया है ओरिगैनो, बेजिल, कुटी हुई काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, पेपरिका, नमक और टोमेटो केचप। ये टोमेटो केचप मेरा होममेड है, उसके वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इसके अलावा मैंने तेल लिया है सॉस को पकाने के लिए। तो सबसे पहले हम टमाटर, प्याज और लहसुन को काट लेंगे। तो टमाटर को मैंने रफली मोटा मोटा काट लिया है और प्याज और लहसुन को मैंने बारीक काट लिया है। और अब हम टमाटर को पीस लेंगे। ये देखिए टमाटर मैंने पीस लिया और अब मैं इसको स्ट्रेनर में डाल के छान लूँगी ताकि इसके जो सीड्स और स्किन हैं वो सेपरेट हो जाएं। ये देखिए स्ट्रेनर पर सीड्स और स्किन आ गए हैं, इनको मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। इसी तरह से मैं सारा टमाटर पीस कर और छान कर तैयार कर लूँगी। और अब हम सॉस को पकाएंगे। तो मैंने एक हैवी बॉटम पॉट स्टोव पर चढ़ाया है और उसमें मैंने तेल डाला है और स्टोव को मैंने मीडियम फ्लेम पर रखा हुआ है। अब तेल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे और इसमें डाल देंगे लहसुन। अब लहसुन को हम 1 मिनट तक फ्राई करेंगे बस। तो ये देखिए लहसुन का कलर हल्का सा चेंज हो चुका है, बहुत लाइट गोल्डन कलर इस पर आ चुका है। तो बस अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। लहसुन और प्याज को आपको बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, बस बहुत हल्का सा इनको भूनना है आपको, बस 1 मिनट, इस 1 मिनट से ज़्यादा नहीं। तो अब हम प्याज को भी बस 1 मिनट ही भूनेंगे। और 1 मिनट इसको भूनने के बाद इसमें डाल देंगे चिली फ्लेक्स और इसको मिक्स कर लेंगे। और चिली फ्लेक्स डालने के बाद बस 10 से 12 सेकंड्स के लिए इसको मिक्स करेंगे बस। और इसमें हम डाल देंगे पिसा हुआ टमाटर। और इसको मिला लेंगे। और इसमें डालेंगे नमक ताकि टमाटर जल्दी पकें। और इसमें हम डाल देंगे पेपरिका और इसको मिक्स कर लेंगे। और इसमें एक उबाल आने का वेट करेंगे। तो अब देखिए इसमें एक उबाल आ चुका है और मैंने इसको एक बार चला दिया है। और अब हम इसको ढककर 30 मिनट्स तक पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर, और बीच बीच में हम इसमें चमचा चला देंगे ताकि सॉस पॉट में चिपके ना। इसको हम ढककर इसलिए पका रहे हैं क्योंकि शुरुआत में ये सॉस काफ़ी उछलता है क्योंकि इसमें पानी काफ़ी रहता है, तो आप जल भी सकते हैं और स्टोव पर इसकी छींटे चले जाते हैं हर तरफ और स्टोव भी गंदा हो जाता है काफ़ी। तो इसलिए आपको इस तरह से ढककर बीच बीच में चमचा चलाते हुए इसको पकाना है। तो 10 मिनट बाद मैंने इसमें एक बार चमचा चला दिया ताकि ये सॉस पॉट में चिपके ना, और इसको ढककर फिर से 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। तो 10 मिनट और हो चुके हैं, यानी कि 20 मिनट्स हो चुके हैं, और मैंने इसको फिर से चला दिया है और फिर से मैंने इसको ढक्कन ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ दिया है। तो देखिए टोटल 30 मिनट्स हो चुके हैं और सॉस जो है अब उछल नहीं रहा है इतना। तो अब मैंने ढक्कन हटा के इसको 5 से 6 मिनट तक हाई हीट पर पका लिया है। और आप देख सकते हैं ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है और इसमें जो हमने प्याज और लहसुन डाले थे वो बिल्कुल गायब हो चुके हैं, एकदम मैश हो चुके हैं इसमें। तो अब सॉस ऑलमोस्ट हमारा तैयार है और अब हम इसमें डाल देंगे टोमेटो केचप। ये टोमेटो केचप मेरा होममेड है, इसको आप ज़रूर बनाइएगा एक बार, बहुत ही बेहतरीन टोमेटो केचप बनता है। और अब मैंने इसमें डाला है बेजिल, ओरिगैनो और कुटी हुई काली मिर्च। और अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। तो सॉस अब हमारा तैयार है, स्टोव को मैं ऑफ कर दूंगी और सॉस को एक बोल में निकाल दूंगी। और सॉस का आप कलर देख सकते हैं कितना बेहतरीन आया है। हालांकि 1 किलो टमाटर में हमने सिर्फ 1/2 टीस्पून पेपरिका का यूज़ किया है, फिर भी ये सॉस काफ़ी लाल बना है क्योंकि हमने जो इसमें टमाटर यूज़ करे थे वो काफ़ी लाल थे। तो अब मैं एक बोल में इसको निकाल लूँगी और इसको बिल्कुल अच्छे से ठंडा कर लूँगी। और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो हम इसको एक एयरटाइट बॉटल में भर के फ्रिज में रख देंगे। और बॉटल को मैंने पहले से ही स्टेरिलाइज करा हुआ है क्योंकि इस सॉस में बिल्कुल भी प्रिजर्वेटिव्स हमने नहीं डाले, तो इसलिए अगर आप इसको बाहर छोड़ देंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए एक साफ़ सुथरी बॉटल में आप इसको भरें और इस बॉटल को फ्रिज में रख दें। और जब भी आपको सॉस की ज़रूरत हो आप सॉस को एक साफ़ सुथरे और ड्राई चमचे से निकाल लें और वापस फिर से इस बॉटल को फ्रिज में रख दें। तो इस तरह से जब आप इसको यूज़ करेंगे तो ये सॉस ख़राब नहीं होगा, 1 महीने तक आराम से ये सॉस चलेगा। तो अब सॉस तो हमने बना लिया है, और अगर हमने पिज़्ज़ा नहीं बनाया तो बच्चे नाराज़ हो जाएंगे। तो मेरे पास अभी पिज़्ज़ा बेस तो तैयार नहीं है, लेकिन मेरे पास ब्राउन ब्रेड की स्लाइसेस हैं तो हम उस पर पिज़्ज़ा बनाएंगे, इंस्टेंट पिज़्ज़ा बनेगा ये। तो मैंने यहाँ पर ब्राउन ब्रेड की 2 स्लाइसेस ली हैं, मोजरेला चीज़, चेडर चीज़, तीनों रंग की शिमला मिर्च, प्याज, हमारा बेहतरीन सा पिज़्ज़ा सॉस
बेजिल, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और बटर, ये सारी चीज़ें मैंने ली हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारी ब्रेड की स्लाइसेस हैं इनको थोड़ा सा टोस्ट कर लेंगे। तो मैं इनको एक साइड से बस टोस्ट करूंगी क्योंकि दूसरी साइड पर तो हमको टॉपिंग्स लगानी है, तो अगर चाहें तो दोनों साइड से इसको सेक लें। तो अब मैंने यहाँ पर जो बेजिल और चिली फ्लेक्स लिए थे इनको मिक्स कर लिया थोड़ा सा, और अब हम बटर लगा देंगे इन दोनों पर। ये मैंने वॉली साइड ली है जिसको मैंने सेका नहीं था, इस पर मैं बटर लगा दूंगी। और अब इसके ऊपर लगाएंगे हम अपना बेहतरीन सा पिज्जा सॉस, और पिज्जा सॉस देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये घर पर बना है। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बाजार से लेकर आए हैं, और इसका टेस्ट बेहतरीन है, बाजार वाले से ज्यादा अच्छा बना है ये सॉस। तो देखिए दोनों स्लाइसेस पर मैंने अच्छे से ये सॉस लगा दिया है, और अब इस पर मैं डालूंगी मोजरेला चीज। और अब डालूंगी मैं चेडर चीज। जब भी आप पिज्जा बनाइए तो चेडर चीज का यूज जरूर करिए, चेडर चीज से जो पिज्जा है वो बहुत ही टेस्टी बनता है। खाली मोजरेला से उतना अच्छा नहीं बनता जितना इन दोनों को जब आप मिक्स करके डालते हैं तब बढ़िया बनता है। तो अब मैंने इन दोनों के ऊपर ये जो सब्जियां काट के रखी थी ये रख दी हैं। आप अपनी चॉइस की कोई भी सब्जियां यूज कर सकते हैं यहाँ पर। और अब ये जो मैंने स्पाइस मिक्स तैयार किया था ये मैं डाल दूंगी इस पर, और अब इस पर थोड़ा सा चीज और डालूंगी। और अब बस हमारा जो पिज्जा है वो तैयार हो चुका है अवन में जाने के लिए। तो अब मैंने इसको एक वायर रैक पर रखा है, और अब मैं इसको 180 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए बेक करूंगी। और अवन को मैंने 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था, तो मैंने इसको 10 मिनट के लिए बेक करने के लिए रख दिया है अवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर। तो अब देखिए 10 मिनट बाद मैंने पिज्ज़ा निकाला है, और हमारा बहुत ही बेहतरीन इंस्टेंट पिज्ज़ा बन के तैयार है। यकीन मानिए आपके बच्चों को ये पिज्ज़ा बहुत पसंद आएगा। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और बाज़ार वाला पिज़्ज़ा सॉस लाने से अच्छा है कि आप इसको घर पर बनाएं, बहुत ही आसानी से और बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा सॉस बन के तैयार होता है। तो एक बार फिर मिलूंगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।